गोवा। आज जब भी कोई गोवा की बात करता है तो मन में एक मनोरम छवि बस जाती है। अपने इतिहास में गोवा या गोमंतक कई वैभवशाली साम्राज्यों की राजधानी रहा है। गोवा एक समृद्ध प्रांत हुआ करता था। विभिन्न व्यवसाय और व्यापार यहाँ फूलते फलते थे। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा में कदम रखा और एक एक करके कुछ हिस्से अपने अधीन कर लिए। इससे गोवा की शांति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। मंदिर तोड़े गए, धर्म पर आक्रमण हुआ तो प्रजा ने अपनी आवाज उठाई और कुंकोलिम गांव के लोगों ने 1583 में पुर्तगालियों के खिलाफ पहला विद्रोह किया। जब प्रजा पर पुर्तगालियों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं रही, विदेशी ताकतों को टक्कर देने मराठा साम्राज्य के कीर्ति स्तंभ छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं आ पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और युद्ध कौशल ने पुर्तगालियों के फैलते साम्राज्य को गोवा में ना सिर्फ सीमित रखा और सांत एस्टर फोर्ट और मुरगांव जैसे कई विशेष किले और गढ़ भी अपने अधीन कर लिए। ऐसी शौर्य और कुशलता उनके वंशजों ने भी दिखाई और पुर्तगालियों को सदैव चुनौती देते रहे। पिंटो क्रांति, राणे विद्रोह और भी कई प्रयास होते रहे जिन्होंने सदा ही पुर्तगालियों को अशांत ही रखा। 1928 में गोवा राष्ट्रीयता के जनक टीबी कुन्हा ने गोवा कांग्रेस कमेटी की स्थापना कर गोवा स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह का मार्ग खोला। पुर्तगाली प्रधानमंत्री साल्जार ने अपने निर्देशों एक्टो कॉलोनियल से गोवा की प्रजा की हर आजादी दबा रखी थी। बिना पुर्तगालियों की मंजूरी के कोई भी कार्य करना दंडनीय अपराध था। ऐसे हालात में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को मडगांव अखाड़े लोहिया मैदान में हजारों की संख्या में आए लोगों को संबोधित करने ही लगे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनी। इस गिरफ्तारी ने सुलगती चिंगारी को ऐसी हवा दी जिसने पूरे गोवा में आजादी की ललक जला डाली। जहां कई लोगों ने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता चुना, वहीं आजाद गोमंतक दल के प्रभाकर सिनारी, विश्वनाथ लवंदे, प्रभाकर वैद्य, कुष्टोबा देसाई, बाड़ा राया मापारी जैसे युवाओं ने क्रांतिकारी मार्ग चुना। पुर्तगाली फौज पुलिस थानों बैंकों और कारखानों को अपना निशाना बनाया जिससे पुर्तगालियों को नुकसान तो हुआ ही साथ ही उनका बल भी क्षीण होता रहा। एक तरफ गोवा लिबरेशन आर्मी और आजाद गोमंतक दल जैसी संस्थाएं गोली बारूद से क्रांति कर रहे थे तो दूसरी तरफ हजारों लोगों ने गोवा की आजादी के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुना और 15 अगस्त 1955 को लोग गोवा में उमड़ने लगे। आंदोलन रोकने के लिए पुर्तगालियों ने देखते ही गोली चलाने के संदेश तक दे डाले। क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर पत्रा देवी में सत्याग्रह धरना करने का नियोजन बनाया। इस सत्याग्रह में भारत के कई कोनों से लोग आए थे। इसी सत्याग्रह पर पंजाब के एक युवा करनैल सिंह बेनीपाल शहीद हो गए। इस स्वतंत्रता यज्ञ में कई गोवा के और देश के कई हुतात्माओं ने और कई महानुभावों ने अपना योगदान दिया। इसमें मोहन राणाडे, जगन्नाथ राव जोशी और भी सहसरों नाम हैं। महिलाओं ने भी भरपूर योगदान दिया। इनमें शारदा ताई सावईकर, वत्सला कीर्तनी, प्रमिलाबाई जांबाविलिकर, सुधा ताई जोशी और सहोदरा देवी प्रमुख नाम हैं। एक ओर क्रांति चलती रही, दूसरी ओर भारतीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोवा के लिए आवाज उठाती रही। पुर्तगाली साम्राज्य की क्रूरता अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी छपती रही। इससे पुर्तगालियों पर भारी दबाव पड़ा। चारों ओर से हो रही उथल पुथल से पुर्तगाली बौखला उठे। इसी बौखलाहट में नवंबर 1961 में पुर्तगालियों ने एक एक करके दो जहाजों को भारत सेना का समझकर उन पर आक्रमण कर दिया। यही पुर्तगालियों की आखिरी भूल साबित हुई। अंततः तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री वी के कृष्ण मेनन के आदेश पर ऑपरेशन विजय नियोजित किया गया। 17 दिसंबर को गोवा पर भारतीय सेना ने कूच किया। जल सेना ने गोवा को घेर रखा था। हवाई सेना काल की तरह गोवा के आकाश में मंडरा रही थी। अपने आप को बचाने के लिए पुर्तगालियों ने गोवा के सारे सेतु जला डाले।
परंतु भारतीय सेना ने गोवा पर वर्चस्व स्थापित कर पुर्तगालियों से घुटने टिकवा दिए। आखिरकार गोवा आजाद था और इस प्रकार 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का अटूट अंग बना। धन्य है भारत और गोवा के स्वतंत्रता सेनानी, धन्य है भारत के सैनिक। आज इनके ही शौर्य का फल है जो गोवा के स्वच्छंद वातावरण में लोग अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। जय हिंद, जय गोवा।